ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने अंचल के लोगों के लिए तिरुपति बालाजी जाने की सीधी सुविधा प्रदान की। उन्होंने एपी संपर्क क्रांति का स्टॉपेज ग्वालियर में शुरू होने पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जल संसाधन मंत्री विकास मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर न केवल रेल मार्ग बल्कि वायु मार्ग से भी पूरे भारत से जुड़ेगा। इसी कारण ग्वालियर में जल्द ही ढाई से वर्ल्ड क्लास स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों को भी जल्द ही लाने के प्रयास जारी हैं। ग्वालियर में आज स्टॉपेज हुई है, इसके साथ अतिरिक्त ट्रेनों को भी म्याना में, पिपराई में, मदरवास में मैंने स्टॉपेज दिलवाई है। आने वाले समय में एक भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, 250 करोड़ का ग्वालियर में, और एक वंदे भारत ट्रेन भी, जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी लाल किले से, एक नया वंदे भारत ट्रेन भी हम लोग ग्वालियर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेनों की सुविधा में बढ़ोतरी हो, वायु सेवा की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, अंचल के हर अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो, ताकि ग्वालियर को पूरे मध्य प्रदेश और देश का एक केंद्र हम लोग बना पाए, यही तेजवलकर जी और मेरा एक मिलकर नरेंद्र सिंह जी के साथ एक मकसद है। हमारी पार्टी विकास और प्रगति पर केंद्रित है और हर व्यक्ति का उत्थान और विकास हो, यही हमारा मकसद है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है कि भोपाल में 100